मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत उड़ायंग क्षेत्र के ग्राम बिछिया निवासी अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय श्यामले सिंह ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता श्यामले सिंह की 13 जुलाई 2011 को मौत हो गई थी। चकबंदी क्रियाएं गांव में चल रही थी। चक उसके पिता के नाम काटे गए हैं। पिता की मौत के बाद विरासत की जमीन अशोक कुमार, अरुण कुमार, अरविंद कुमार तथा माता शांति देवी के नाम दर्ज है। उसका बड़ा भाई अशोक कुमार व भतीजा विशाल उर्फ पिंकी अरविंद कुमार जमीन पर दबंगई के साथ कब्जा किए हुए है, उसे उसका हक नहीं दे रहे हैं। जब वह जमीन की बंटवारे की बात करता है तो उसके भाई उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने डीएम से अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की। पीड़ित ने बताया कि अगर उससे उसके हिस्से की जमीन नहीं मिली तो अनशन पर बैठने को मजबूर होगा। क्या समस्या है आपकी? हमारे पिताजी खत्म हो गए थे 2011 में, तो पैतृक जमीन है। हम तीनों भाइयों ने माता जी ने आपस में बंटवारा कर लिया था। बड़े भाई साहब को उनके लड़के को बटाई हुई खेती दिलाई थे। छोटे भाई साहब के सह पे छोटे वाले भैया के कहने पे बड़े भाई साहब ने उनके लड़के ने हमारी जमीन कब्जा कर लिया। गेहूँ की फसल, धान की फसल दोनों उसमें बोए के काट के घर डाल रही है। मुझे ना हिस्सा दे रहे हैं ना जमीन जोतने दे रहे हैं। अच्छा, एसपी से शिकायत की, क्या कहा? एसपी साहब से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले, डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, कप्तान साहब को प्रार्थना दिया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ साहब को भी अवगत कराया, सीओ साहब को भी अवगत कराया, डीएम साहब को भी कम से कम 10 बार अवगत कराया, एसपी साहब को भी 10 बार अवगत कराया, कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग नहीं आ रही। उनके हौसला बुलंद है, कभी भी वे मेरे साथ हादसा बड़ा कर सकते हैं। इकलौता बेटा है हमारा, कभी भी उसके साथ हादसा या मेरे साथ हादसा हो सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं मेरी पैतृक जमीन पे हमें कब्जा मिल जाए, जिससे हम उससे जीवन यापन अपना करने लगाएं।